नाजरीन यहां पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें सियालकोट से, जहां सियालकोट के इलाके बसरोर में दो ग्रुपों में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया है, जबकि 5 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको हम आगाह कर रहे हैं सियालकोट से, जहाँ पर फायरिंग के नतीजे में दो ग्रुपों में फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, क्या तफसीलात हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से। जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये क्या वाक्या पेश आया है और कैसे फायरिंग हुई है, क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, सियालकोट की तहसील पसरूर, थाना सिटी पसरूर की हदूद में दो ग्रुपों में गुज़िश्ता रात तकरीबन 12 बजे के करीब मोहल्ला नामे शाह में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में 48 साल शख्स दाऊद बट मौके पर जाँ बहक हो गया है और 5 नौजवान जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में गुलाम नबी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इस वक्त अलामा इकबाल टीचिंग हस्पताल सियालकोट में जेरे इलाज है, बाकी 4 जख्मी अफराद खतरे से बाहर हैं। मुतलका थाना सिटी पसरूर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहबाज हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।